हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पेपर। आज पेपर हुआ है यूपी टेट का, 18 नवंबर है आज। तो इसमें जो है, मैं इस पेपर में जो हिंदी का है, हिंदी का क्वेश्चन है और पर्यावरण विज्ञान का क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर बताऊंगा। इसमें देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि कुछ आंसर भी मिले नहीं हैं हिंदी के, तो जैसे ही मिलेगा मैं उसको अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो भी मुझे मिला है अभी, मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी से। जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, तो उसका आंसर भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। पहला और दूसरा, दूसरा का भी नहीं है। तो तीसरा देखिए, जो 33 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका आंसर 3 होगा। हाँ, मेरा यही विचार है, हाँ के बाद विराम होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं 34। तो इसमें पूछा है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। इसका भी आंसर कन्फर्म नहीं है अभी, लेकिन सनातन हो सकता है, फिर भी आप मिला लीजिएगा कहीं और से। अगर आपको मिलता है, आप मुझे मिलेगा तो मैं उसको तुरंत अपडेट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है 35। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका आंसर पहला है प्राचीन। आगे 36 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा पहला। इसमें दिया है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये बिहरड़ी, इसका आंसर पहला होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, इसका आंसर होगा दूसरा। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये गलत है, तो इसका आंसर दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए इसका भी आंसर भी पता नहीं है, ठीक है। जैसे ही मिलेगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा। आगे देखते हैं 39 पे, गौशाला में कौन सा समास है। इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास, पहला आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, देशभक्ति में कौन सा समास है। इसमें है तत्पुरुष समास, तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इसमें है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। इसमें है पहला प्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी कविता है। तो इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, इसका आंसर होगा 4। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसका आंसर होगा तीसरा, बही धन कार। 44 क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो इसका आंसर है पहला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी देखिए अभी बहुत कन्फ्यूजन है, इसका भी आंसर अभी नहीं मिल पाया है, तो आगे मैं बता दूंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 और 47 में, जो गद्य पढ़ के आपको आंसर देना है, तो आप गद्य पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 46 का है संप्रेक्षण कला क्या नहीं है, तो इसमें अलंकरण है पहला आंसर, और संप्रेषण कला का विकास कैसे होता है, तो इसका आंसर पहला है अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इसका आप सीधा आंसर है पहला, यह। क्वेश्चन नंबर 49, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो इसमें बहुव्रीहि समास है, इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 50, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो इसका आंसर होगा 4, आलम, सॉरी अलम। क्वेश्चन नंबर 51, यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो इसका आंसर पहला होगा सर्वनामिक विशेषण और एक बचन एंड स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है 52, विशेषण शब्द का विलोम होगा। तो इसका आंसर होगा 2, संश्लेषण। 53, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दंत्य, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं। इसका आंसर होगा पहला, स स स। क्वेश्चन नंबर 55, अत्यधिक का विलोम क्या है। तो आंसर होगा पहला, अत्यल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, रीत का विलोम क्या है। तो इसमें इसका आंसर पहला होगा अनरीत। क्वेश्चन नंबर 57, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसका आंसर होगा सम, पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो वैसे देखिए मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 होगा, कर्तृवाच्य। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मेरा जो मैंने जहाँ पे सर्च किया मुझे लगा यही आंसर है, फिर भी आप देख लीजिएगा। 59, तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है। देखिए इसका आंसर भी मुझे अभी मिला नहीं है।
आगे बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, इसका भी आंसर नहीं मिला है। चलिए देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन का क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन है 121, इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो इसका आंसर है दूसरा, रेखा शर्मा। 122, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यह राष्ट्रपति, पहला आंसर होगा। 123 में संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका आंसर होगा पहला, नौ, नौवें भाग में। 124, 74वें भी संविधान संशोधन का संबंध है? आंसर होगा दूसरा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। क्वेश्चन नंबर 125, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? इसका आंसर होगा फोर, सल्फर डाइऑक्साइड। 126, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया इंग्लैंड से। दो, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा पहला, भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 128, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रश्नकाल। आंसर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण क्या है? इसका आंसर होगा पहला, प्रयुक्त जल का संग्रहण, संग्रह और भंडारण। 130, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ये आप सब जानते हैं। आंसर दूसरा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के संबंधी संबंध में सही है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक होता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 132, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? यह आंसर तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 133, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो इसका आंसर है क्लोरोफिल, चौथा आंसर है। 134, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? इसके लिए देखिए आंसर, मुझे लगता है इसका आंसर चौथा होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 135, यूफोरबियासी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? इसका आंसर होगा पहला, जेट्रोफा। 136, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है? तो इसका आंसर होगा तुलसी, इसका साइंटिफिक नेम होता है ओसियम सैंक्टम। इसका आंसर पहला होगा तुलसी। 137, पीने के लिए सुरक्षित पानी क्या कहते हैं? तो पोटेबल वाटर होता है, पीने योग्य पानी, पहला आंसर होगा। 138, वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस यूज हुआ था वो था मेथाइल आइसोसाइनेट, इसका आंसर होगा पहला। 139, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? आप लोग सब जानते हैं, 5 जून को मनाया जाता है, आंसर तीसरा होगा। 140 क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे? आंसर दूसरा। 141 क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह देहरादून में, आंसर फोर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न से किससे किसे सोख लेते हैं? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर तीसरा। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो यह पहला, मृतक भक्षी। 144, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह पहला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा। 145, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? यह पश्चिमी घाट, साउथ इंडिया में पाया जाता है ये, तो पश्चिमी घाट है आंसर पहला। भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? इसका आंसर है पहला, नीला पट्टू। 147, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर होगा पारा, दूसरा आंसर होगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? इसका आंसर उत्तरी ध्रुव होगा, पहला। 149, निम्न में से कौन सा भारत का मुख्य न्यायाधीश था प्रथम? तो इसका आंसर होगा तीसरा, हीरालाल जे कानिया। 150 क्वेश्चन, रे डाटा बुक किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा तीसरा, विलुप्ति के करीब जीव। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन अभी जिस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिला है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर अभी ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगा। और इस सारे पेपर का जो सारा आंसर है मैं बाद में फिर PDF में दे दूंगा। और इस पेपर के PDF आपको चाहिए तो इसे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को और लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही पेपर चाहिए, हर हर एग्ज़ाम के पेपर चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पेपर ही डालता हूँ।
और पीडीएफ के साथ। धन्यवाद।